अब हम बनाने जा रहे हैं भरवा भिंडी। उसके लिए चाहिए हमें पाव भिंडी। इसको हम पहले अच्छी तरह से धो लेंगे दो तीन बार। इस दोनों तरफ से काट लेना है और बीच में से कट कर देना है इस तरीके से। इसको भरने के लिए हमें चाहिए धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची, नमक और लहसुन का पेस्ट और कटी हुई मिर्ची और गरम मसाला घी। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को अलग रख देते हैं, मिर्ची और लहसुन पेस्ट और जीरा साथ में। अब अपन ये कटोरी लेंगे, उसके अंदर ये मसाले तैयार करेंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, एक डेढ़ चम्मच, नमक आधा चम्मच, मिर्ची एक चम्मच थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, हींग, गरम मसाला और ऐसा। इसको अपन अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये अपन ने मसाला तैयार कर लिया है। अब भिंडी को लेंगे ऐसे और ऐसे पकड़ के इसके अंदर ये मसाला भरना है अच्छी तरह से। ये भर के ऐसे रख देना अलग एक साइड में, इसको भरना है। ये सारी भिंडी इसको मसाले से भर देंगे। अच्छी तरह से भरना है। भरवा भिंडी खाने में बहुत टेस्टी है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इसको काट के आप मसाले को भर दो। सारी भर देनी है इस तरह से। ये हमने देखो भिंडी को भर ली है मसाले से। अब अपन इसको पकाना है, इसको गरम करेंगे पहले। दो चम्मच तेल डाल देंगे पकाने के लिए। तेल इसमें ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। भिंडी तेल में ही अच्छी लगती है, कम तेल से पकती नहीं है, फिर कच्ची रह जाती है, क्या मतलब। इसको अपन पकने देते हैं दो मिनट के लिए। तेल गर्म हो गया है, इसके अंदर हींग, जीरा, राई, ये धनिया, लहसुन का पेस्ट, ठीक है, इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। हरी मिर्च कटी हुई, इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। ये पक रहा है। अब अपन इसको भिंडी डाल लेंगे भरी हुई मसाले।
इसको अच्छी तरह से पकाना है अपन। देखो मसाला है ना वो भी साथ में डालना। इसको अब मिलाएंगे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से, जिससे ये तेल में पक जाएगी सारी। देखो पक रही है, इसको हिलाते रहना है जिससे अच्छी तरह से ये तेल में पक जाएगी, नहीं तो पकेगी नहीं। तो मसाला फिर पकेगा नहीं क्या मतलब। ये देखो पक गई हमारी भिंडी। इसको कम से कम 10 मिनट के लिए पकाना है अपन को, धीरे धीरे धीमे आंच में 10 मिनट के लिए पका लिया आपने। और ये हमारी भरवा भिंडी बन के तैयार हो गई है। ये देखो मसाला भी पक गया साथ में। ये पक गई हमारी। ये देख सकते हैं आप, हमारे भरवा भिंडी तैयार हो गई है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।